90 के दशक में धार्मिक सीरियल रामायण के जो रावण थे, आज आपको बताएंगे उन अरविंद त्रिवेदी जी के बारे में। आखिर उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? अरविंद त्रिवेदी जी रावण का किरदार निभा चुके हैं और इनका जन्म 8 नवंबर 1937 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। असल जिंदगी में राम के भक्त अरविंद का बचपन मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीता, लेकिन गुजरात में पले बढ़े। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुंबई के भवंस कॉलेज से की थी और ये शाम को रामलीला देखने जाया करते थे। रामलीला देखना बहुत ही पसंद था। इनके बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्म के जाने माने एक्टर थे। इनके बड़े भाई की तरह अरविंद त्रिवेदी जी ने एक्टर बनने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में ये अपनी गली मोहल्ले में हो रही रामलीला में ही एक्टिंग किया करते थे और लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती थी और ये जब किसी भी किरदार को किया करते थे तो लोग भी तालियां बजाने से नहीं चूकते थे। अरविंद त्रिवेदी जी ने रंगमंच पर काफी दिनों तक काम किया, रंगमंच पर भी अच्छा नाम कमाया। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।